अब मैं इसकी मदद करूंगा। देखते हैं आखिर ये चाहता क्या है। मीरान, असलान, बाहर आओ फौरन, जानता हूं तुम अंदर ही हो। मीरान, किसी के घर के बाहर खड़े होकर इस तरह से चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या उसे हमारे घरों में घुसने का हक हासिल है? बोलो। असलान, बाहर आओ फौरन, डरो मत। अपना लेटर भूल गए थे, वो वापस करने आया हूं। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खोलेगा ये, यहीं रुको। कहाँ जा रहे हो? मीरान रुक जाओ। मीरान, तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है, घर के अंदर मैं लेकर गई थी उसे। क्या ये बेहतर होता कि रात के उस वक्त वो मेरी कोई मदद नहीं करता? मसला ये नहीं है कि उसने तुम्हारी मदद की रेहान, मसला ये है कि वो अचानक वहाँ पहुँच कैसे जाता जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। वो महज एक इत्तफाक था मीरान। मैंने इत्तफाकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ, करने के वाले हो? अगर तुम्हारे शक इतने ही सही होते तो वो उस दिन हमें छत पर क्यों बचाता? हाँ, बाहर निकलो, तुम्हारा लाइटर है मेरे पास। इस तरह जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर उसे मारना चाहते हो, सबसे क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों रहने लगा है? आवाज आ रही है तुम्हें? मीरान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके तो अब खिड़कियों से जाओगे क्या? मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? मीरान प्लीज, पागल मत बनो, हर बार कोई गलत हरकत क्यों करते हो तुम? अभी पता चल जाएगा कि वो वाकई घर पर नहीं है या हमें जवाब देने से डर रहा है। मीरान रुक जाओ, खुदा के लिए कोई जल्दबाजी मत करो। असलान को छोड़ो, तुम खुद देखो हमारे साथ क्या कर रहे हो तुम। हर वक्त तो हम लड़ते रहते हैं। रियान, मुझे समझने की कोशिश करो, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है? मैं हर वक्त खौफजदा होकर तुम्हारे पीछे भागती रहती हूँ, मेरे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं। रियान, ये सिचुएशन सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, ये हम सब से कनेक्टेड है और इसका जवाब इसे देना होगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं और आज मैं उन सब सवालों का जवाब लेकर रहूंगा। बस कुछ देर मेरा इंतजार कर लो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मीरान, मीरान, असलान, असलान, मैंने कहा फौरन बाहर आओ। मीरान, असलान, मैंने कहा बाहर आओ, बाहर आओ फौरन। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा असलान, कहां भागोगे? सारा गुरूर तोड़ दूंगा। रियान, जो चाहते हो वो करो। रियान, मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हमें दो गाड़ियों की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें खुद ही पिक कर लूँ, वापसी पर ड्रॉप भी कर दूंगा। आजाद अचानक की काम आ गया है जिसकी वजह से घर से बाहर हूँ। लेकिन रास्ते में हूँ और महफूज भी घर पे नहीं है। मेरे घर के जो बाहर रेस्टोरेंट है वहाँ बैठ के इंतजार कर सकते हो, काम खत्म करके वहीं पहुंच जाऊंगा, फिर चलते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो। अच्छा असलान, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। कम अज कम एक बार, एक बार तो मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, हमेशा अपनी मर्जी करता है ये। रियान, कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ, बात सुनो मेरी। रुको, मैं किसी के घर में दाखिल नहीं हो रहा था, ठीक है, बाद में बात कर लूंगा। फिर से वही बात, बाद में क्या बात करनी है? असलान से उसका हाल अहवाल पूछना है। रियान, अच्छा चलो ठीक है, आज और रास्ते में बात करते। मुझे नहीं जाना। उससे बात तो करो, बात करो प्लीज। कुछ देर पहले मैं भी तुमसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? मैं थक गई हूँ मीरान, जो तुम्हारे दिल में आए करो जाके। हाँ,
तुम्हारा गुस्सा ठीक है, लेकिन इस तरफ जाकर क्या करोगी तुम? हाँ जाओ, मैं तुम्हें अब मना नहीं करूंगी। जाओ जाके मारो उस लड़के को। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। जाने दीजिए। रियान, आखिर कहाँ तक जाओगी तुम? हाँ जिद छोड़ दो अपनी। जब तक दिल चाहेगा तब तक चलूंगी। जाओ जाकर उसे बताओ कि ना मीरान को और ना ही उसकी बीवी को उसकी कोई मदद चाहिए। या अल्लाह सबर दे मुझे। अल्लाह मुझे भी सबर दे मीरान। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूंगा। अब अपनी जिद को छोड़ दो प्लीज। जवाब दो रियान, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम मेरी बात नहीं सुनते और अपनी सारी जाहिलों वाली हरकतें बंद नहीं करते। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ, ठीक है। तुम्हारा ये रवैया मुझे पागल कर रहा है, बस कर दो। पहले से ही पागल हो तुम। कहाँ जाओगी भाग के? हाँ किस तरफ जा रही हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? पागल नहीं हूं क्या? शायद तुम्हारे लिए पागल हूं मैं। अब इस जिद को छोड़ दो और चलो मेरे साथ। जिद तो तुम कर रहे हो, जाहिलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हो, सब कुछ तबाह कर देते हो। सबसे पहले तो चिल्लाना बंद करना चाहिए। ठीक है रियान साहिबा, अब मैं एक फरमाबरदार शौहर बनूंगा जो अपनी बीवी की नाफरमानी नहीं करेगा। अगर आप मुनासिब समझो तो क्या अब हम कार में जाके बैठ सकते हैं? मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मजाक का वक्त है ये। रुको जरा, जानती हो मुझे लगता है कि मुझे तमगा मिलना चाहिए तुम्हारी जिद की वजह से सबर करने पर। बिल्कुल तमगा तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इन हरकतों की वजह से। उफ रियान उफ। घर के साथ वाला कौन सा कैफे बोला था? ये वहां क्या हो रहा है? रियान से छोड़ दो, चलो मेरे साथ। कहा ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ मेरा हाथ प्लीज। आजाद भाई, मीरान जाओ तुम। चले जाओ। तुम चाहते क्या हो? किस किस्म के इंसान हो तुम? मेरी तो समझ नहीं आता कि तुम कैसा अजाब हो जो हमारे सर से टलता ही नहीं है। तुम्हें यही मार दूं तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे मैंने ऐसे इंसान को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है, जान छूट गई इससे। आजाद खामोश रहो और मेरी बात सुनो पहले। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और सुनने को रह भी क्या गया है? तुमने सब कुछ बता दिया था जिस दिन मुझ पर गोली चलाई थी। बात करना चाहता था, बात करना चाहता था बस। ये बात करना चाहता था और तुम इसकी बात सुनने यहाँ पर चली आई? और सब समझ रहे हैं कि तुम घर पर हो। तुम्हारा भी बराबर का ही कसूर है। इसमें रियान का कोई कसूर नहीं है, मैं लाया था इसे। तुम फिर बोले बीच में। आजाद भाई से जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ, प्लीज चले यहाँ से। चले चले। देखो मीरान, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। इस शहर के साथ साथ शादोलो खानदान को भी तुमने बेवकूफ बनाया है। तुम जैसा इंसान का कातिल नहीं बनना चाहता, लेकिन अपने खानदान के साथ तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है असलान। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े तुमसे जवाब लेकर रहूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आजाद भाई, रियान तुम मेरी समझ से बाहर हो। मैं समझ रहा था कि तुम उसे जान चुकी हो, उसका असली चेहरा भी देख चुकी हो। तुम्हारे सामने उसने मुझे गोली मारी थी, लेकिन तुम अब भी नहीं समझना चाहती हो। तुम सोच भी नहीं सकती अगर मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें यहाँ देखा होता तो क्या होता। कम से कम कुछ करने से पहले सोच तो लिया करो। चलो बताओ मुझे कि उसने क्यों बुलाया था तुम्हें यहाँ। ठीक है आप सही कह रहे हैं, मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है आजाद भाई। क्या आप प्लीज मुझे घर ले चलेंगे? जा रहे। चलो इतना तो होश है तुम्हें। असलान और मैं यहाँ एक कैफे में मिलने वाले थे, उसके बाद हमें कहीं जाना था। तुम भी साथ चलो, थोड़ा घूमोगी तो शायद फ्रेश हो जाओगी। असलान को कह देता हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा।
मैं आ गया दादी जान। जी तो क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए। आपको याद है कि अपनी कब्र पे खड़े होकर मैंने आपसे कुछ कहा था कि इस बारे में अब दोबारा बात नहीं करूंगा। तुम्हारा यहाँ से जाना बेकार नहीं जाएगा असलान। जिस चीज की तुम्हें ख्वाहिश है उसे अपने साथ ले जा सकते हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी और बहन से मिलवाना चाहती हूँ। मैं हर बात का इतराफ कर लूंगी, उसके बाद तुम खामोशी से यहाँ से चले जाना। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मैं तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकती। जो काम कल होना है वो आज क्यों नहीं? गोनल, मुझे नहीं बताओगी क्या आखिर बात क्या है? सब बताऊंगी अम्मी, लेकिन दादी जान से मिलने के बाद बताऊंगी, पता चल जाएगा। बेटी हुआ क्या है, आखिर मसला क्या है? डरा रही हो तुम मुझे। आप और मैं कभी किसी को डराने की वजह नहीं बन सकते। हाँ अलबत्ता दूसरे हमें जरूर डरा सकते हैं। देखें अपना हाल, जैसे ही दादी जान ने हमें बुलाया हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्यों अम्मी? नहीं जानती। वाकई नहीं जानती या मुझे बताना नहीं चाहती? इसका मतलब है कि आप मुझे मेरी फैमिली से मिलवाएंगे और मैं उन्हें यहाँ से लेके चला जाऊंगा, ऐसे जैसे शादोलो खानदान ने मेरी फैमिली को बर्बाद ही नहीं किया। क्या बात है! और मेरा बचपन, उसका क्या? मैं तुम्हारा बचपन नहीं लौटा सकती, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि अपनी बकिया जिंदगी भी अपनी फैमिली के बगैर गुजारो? मैं तो बस वही तुम्हें लौटा रही हूँ जो तुम चाहते हो, और मैं इसके नतीज का खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ इससे तुम्हारी बहन का प्यार हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे लिए आम ये है कि तुम जिंदा सलामत और महफूज रहो, बस इतना ही। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है असलान कारहान। खुद सामने नहीं आए फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। जल्द मुलाकात होगी तुमसे, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। और कुछ सवाल? मुझे जो कहना था कह चुकी, अब तुम्हारी बारी है। मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप बस ये चाहती हैं कि मैं खामोशी से आपकी बात मान लूं। दादी जान, मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बचाना चाहती हूँ तो फिर मेरी हिफाजत करने के बजाय मुझे भागने का कह रही है? तुम जो समझना चाहते हो समझते रहो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे महफूज रहे। तो अब बताओ मुझे, चले जाओगे ना तुम यहाँ से? साहिबा, समझ गए क्यों आई हैं? असलान को अपने खानदान से मिलवा के उसे जाने पर मजबूर करेंगी। तुम्हारी अम्मी और बहन यहीं आ रही हैं। अजीजा तुम्हें धोखा दे रही है, चले जाओ यहां से। खामोश रहोगे, जवाब नहीं दोगे मुझे? आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं लेकिन आप अभी भी गलत खेल खेल रही हैं। मेरे हजार दफा मना करने के बावजूद आप अभी भी मुझे मेरी फैमिली से मिलवाना चाहती हैं, जिसके पीछे आपका मकसद है कि मैं यहां से चला जाऊं। मुझे जाने के लिए मजबूर करने वाली हर कोशिश अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी। जो कहना था कह चुका, बैठ के सोचिएगा जरूर।
आप एक कातिल हैं अजीज असलान बे। गोनल, आप जानती हैं कि एलिफ से क्या कहा था दादी जान ने? एक्सीडेंट की वजह से वो कभी मां नहीं बन पाएगी और आजाद उसे कभी खुश नहीं रख सकेगा। एलिफ को एक्सीडेंट से मैंने बचाया था, उसके जिस्म पर एक जख्म तक नहीं था। आपने झूठ क्यों बोला? आपने पहले उसकी उम्मीदों का कत्ल किया और उसके बाद उसकी जान ले ली। हद से आगे अगर ये झूठ है तो बताएं ना दादी जान, डायरी में सब तो लिखा है। आपने सिर्फ एलिफ की नहीं बल्कि उसके साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरा भाई जिंदा है ये कहकर हमें धोखा देने की कोशिश की आपने। आपके इस झूठ की वजह से शादी नहीं हो पाई मेरी। क्या? खामोश हो जाओ। आपने कहा था भाई को लाएंगी मेरे पास और मैंने यकीन कर लिया। मुझे लगा था कि कम से कम इस बारे में तो झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन दादी जान जो अपने सबसे अजीज इंसान की जान ले सकती है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है ना दादी जान? आपके इन गुनाहों की वजह से आपको मौत तक नहीं आएगी। मेरे मरे हुए बेटे का इस्तेमाल करके गोनल को धोखा दिया आपने? किस कसम के इंसान है, आखिर कौन है आप? मैं इस खानदान की सरबरा हूँ, उस घर की मालिक हूँ जिसकी छत के नीचे तुम सब रहते हो। नहीं, आप सिर्फ उस जहन्नुम की सरबरा है जिसमें हम सब रहते हैं। मैं एक बेटा कुर्बान कर चुकी हूँ लेकिन अब किसी और की कुर्बानी नहीं दूंगी। पहले मीरान, उसके बाद असलान और अब गोनल। ये सब क्या हो रहा है अजीज़े? आखिर कहां गलती कर रही हो? कहां? गोनल रुको, गोनल रुको, मेरी बात तो सुनो। गोनल रुको, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने कहा था मुझे मौके से फायदा उठाना नहीं आता। आप समझ नहीं पाई थी कि मीरान से तलाक क्यों ली मैंने। आपके लिए, आपका बेटा आपको वापस लौटाने के लिए। मैं इस उम्मीद के सहारे जीती रही कि मेरा भाई अब तक जिंदा है, यहां तक कि अजीजे का भी यकीन कर लिया, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। आज समझ पाई हूं मैं। लेकिन खत्म, अपने आप के लिए लड़ना मैं खुद सीख जाऊंगी। अब किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगी, मैं खुद अपने पांव पर खड़ी होंगी। मीरान ने तलाक दे दी है, जानती है? गोनल, मैं तुम्हें बताना। आप जानती थी? आप खामोश क्यों रही? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे बताना नहीं चाहती थी? क्यों अम्मी? अम्मी आप? मीरान के साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं बेटी। मीरान के साथ कदम बढ़ाने के लिए आपने कहा? हाँ, था अम्मी। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी किस्मत एलिफ जैसी हो। जिस तरह आजाद ने एलिफ से कभी प्यार नहीं किया, इसी तरह मीरान भी तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। कहाँ जा रही हो तुम? जहां मुझे जाना चाहिए, घर। अम्मी, खैरियत तो है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? असलान काम पर है। नहीं जानता कहाँ है वो, लेकिन ये जानता हूँ वो आने वाला है। कहो, तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। कह देना कि मेरी नजर उस पर है, ख्याल रखे अपना। शायद उसके साथ कोई मसला है और मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका मसला हल ना कर दूं। मसला क्या है?
गुस्से में मैं पूछना ही भूल गया था। मुझे बताओ कि तुम असलान के घर के पास क्या कर रही थी? वहां उसका घर है क्या? हाँ वही है। मुझे नहीं पता था। लेकिन रियान कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। अच्छा वक्त नहीं आने वाला दोस्त, आ जाओ बैठो। हमारे यहाँ तो थोड़े से सुकून के बाद एक बड़ा झगड़ा जरूर होता है। खैर छोड़ो, तुम बेहतर समझ सकते हो। हाँ लेकिन मेरे लायक कोई खिदमत नहीं? ऐसी बात तो नहीं, लेकिन खिदमत तो नहीं, लेकिन मैं वो जमीन देखना चाहता हूँ। बेहतर है कि इसी बारे में बात करें, उसके बाद एक जरूरी मसला हल करना है मुझे। हाँ जरूर, तो फिर चलते हैं किसी दिन। शुक्रिया। माजरत, मुझे एक कॉल लेनी होगी। रियान तुम ठीक तो हो ना? मैं मजबूर नहीं करना चाहता लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आजाद भाई आ रहे हैं। मेरा फॉरेन होटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं कोई ऐसा खास मसला नहीं, बस कुछ ऐसी चीजें पेंडिंग हैं जिनका आज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो रियान मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगर तुम चाहो तो रियान को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर तो दूसरी तरफ है। हाँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं इसमें बुरा मानने की क्या बात है, लेकिन मैं आजाद भाई अगर जरूरी काम है तो आप जाइए, मेरी फिक्र नहीं करें। मैं असलान के साथ चली जाऊंगी घर भाई। यानी कोई मसला ना हो तो मैं ले जाऊंगा। नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें खामखा जहमत। नहीं जहमत कैसी। चलो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अब बताओ क्या बात है? कल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन एक गलत फहमी हो गई है मीरान। ये आदमी कहां से आ गया? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे भाई हट जाओ आगे से। समझ चलो गाड़ी हटाओ यहां से। साथ हद है यार। इसको तो आज नहीं छोड़ूंगा मैं, जान ले लूंगा इसकी। मैं समझ गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, समझाना भी बहुत मुश्किल होगा। फायदा होगा या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन वीरान से बात कर सकता हूं। असलान, वीरान, वीरान प्लीज रुक जाओ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो तुम मेरी बीवी के साथ? तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। वीरान रुक जाओ। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ये हर बार तुम इसे मिलने क्यों आ जाते हो? देखो रियान खौफजदा हो रही है, हम अकेले में बात करते हैं। इस वक्त तुम्हें मुझसे खौफजदा होना चाहिए, समझे? रियान बस बहुत हुआ, तुमसे कह रही हूँ ना कि बस करो। आखिर तुम क्या कर रही हो रियान? कर क्या रही हो तुम? हाँ तुम यहाँ पे इसके साथ हो ही क्यों? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हारी वजह से किस हाल में हुए, और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कुछ गलत कर रही हूँ। बाद में बात करेंगे। रियान बस करो, मीरान इन लड़ाई झगड़ों के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? शायद नहीं आता। मैं इस मीरान को जानती ही नहीं, और ना ही ये जानती हूँ कि इस मीरान के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। बहुत पछताओगे तुम, देख लेना, बहुत ज्यादा। रियान, रियान रुक जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ मेरे भाई, जाओ तुम यहाँ से। रुक जाओ रियान, कुछ कहना है मुझे। अब क्या कहना बाकी रह गया है कि उसके साथ मिलकर तुम्हें मैं तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दे रही हूँ? रियान मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, ना ही मेरा कोई मतलब था, तुम्हें ऐसा लगा? तो और क्या कहा था तुमने? पूछने की भी जहमत नहीं की, वही किया जो करते आए हो, हमेशा की तरह सब कुछ बिगाड़ दिया। ठीक है मगर तुम्हें भी समझना चाहिए,
खुद बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें उसके साथ देखकर कैसा महसूस होगा? मुझे मुश्किल है हाँ, मुझसे सवाल पूछना और उसका जवाब जानना बहुत मुश्किल है मीरान। तुम्हारा ये गुस्सा हमारा रिश्ता तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। अल्लाह तुम्हें सब समझने की तौफीक दे। रियान, इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है कि तुमसे मिलने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? नहीं जानते ना, अगर जानते होते तो हमारा साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यूं बर्बाद नहीं करते। पापा ने कल मुझे देख लिया था और जानते हो कि नजरों से देखा। मेरा झूठ जानने के बाद उनकी नजरों में गिर गई थी मैं। तुमसे मिलने के लिए कितना कुछ करती हूँ फिर भी ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे बताओ ना कि अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं तुम्हें? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे कभी शक नहीं किया रियान, मगर वो शख्स, मुझे उससे बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। रुको रियान, बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? एक मिनट रुक सकते हैं आप प्लीज? मैं जा रही हूँ, जल्दी मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है, शहर छोड़कर जा रही हूँ मैं। बाबा मुझे अम्मी के पास भेजने वाले हैं। मीरा, जाना तो मैंने बेबी की बर्थ पर ही था, लेकिन शायद इस वक्त यही फैसला बेहतर होगा। नहीं, तुम ये सब बस गुस्से की वजह से कह रही हो, जानता हूँ मैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। रियान, कौन हो तुम और आखिर हमसे चाहते क्या हो? आखिर क्यों रियान के पीछे पड़े हो? क्यों मदद कर रहे हो हमारी? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रियान तुमसे दूर होती जाएगी मीरान, और मैं हमेशा मदद के लिए उसे तैयार खड़ा मिलूंगा। तुम हमेशा वो शख्स रहोगे जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारा गुस्सा हमें अलग कर देगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।